राम राम दोस्तों। दोस्तों जो हमारी होंडा अमेज है वो हमारी 18 अगस्त को जो है ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट में। बट उसके लॉन्च होने से पहले उसके जो वेरिएंट है और वेरिएंट में मिलने वाले हमारे फीचर्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गाड़ी में आपको टोटल कितने वेरियंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं और हर वेरियंट में आपको कौन कौन से नए फीचर्स जो हैं देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो करते हैं शुभारम्भ। दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटो मफ में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ईशान दोस्त। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। तो दोस्तों जो हमारी होंडा अमेज है इसमें हमें सिर्फ 3 वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जो हमारा बेस वेरिएंट है वो ई है, फिर आता है हमारा एस, फिर टॉप मॉडल था हमारा वी एक्स। दोस्तों पहले हमारा अमेज में वी वेरिएंट भी आता था, वी ट्रिम भी आती थी, जिसको अब हटा दिया गया है। तो टोटली यहाँ पे हमें 3 वेरिएंट देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो हमारा बेस वेरिएंट है ई, उसमें सिर्फ हमें मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने के लिए मिलता है, बाकी 2 में मैनुअल प्लस सीवीटी हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि हमारा बेस वेरिएंट है ई, उसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वेरिएंट में खाली हमें मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हेलोजन हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, स्टील व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हमारे 14 इंच के रहने वाले, और यहाँ पे किसी भी किस्म का हमें व्हील कैप या व्हील कवर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमें जो है जो एक न्यू फीचर ऐड कि यहाँ पे हमें एसी फिल्टर देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है बेज कलर की सीट फैब्रिक देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों जो हमारा डैशबोर्ड है वो हमें ड्यूल कलर में देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ पे बेज एंड ब्लैक कलर का जो है इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं हमारे कंफर्ट फीचर्स के। तो कंफर्ट में दोस्तों यहाँ पे हमें मैनुअल एसी देखने के लिए मिल जाता है, एंड हमारी फ्रंट एंड रियर में हमें पावर विंडोज देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे दोस्तों अगर हम सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रंट में ड्यूल एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, ABS विद EVD देखने के लिए मिल जाती है, रियर पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स भी देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे ई ट्रिम की या ई वेरिएंट में मिलने वाले फीचर्स की। अब हम अपने अगले वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा एस वेरिएंट है या एस ट्रिम है। इसमें हमें मैनुअल एंड सीवीटी दोनों ही तरह के इन ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाले फीचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में हमें LED पोजिशनिंग लाइट्स देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हमारे DRLs हैं। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे हमें हेलोजन लाइट ही देखने के लिए मिलती है फ्रंट में, बट यहाँ पे रियर में हमें LED टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों जो हमारे ORVMs हैं उन्हीं के ऊपर हमें टर्न इंडिकेटर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। 14 इंच के हमें यहाँ पे स्टील व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बट यहाँ पे हमें व्हील कवर या व्हील कैप जो है प्रोवाइड किया जाता है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हमें शार्किन एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है लेदर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है गियर शिफ्टर के ऊपर। वहीं पे दोस्तों जो हमारा डैशबोर्ड है और जो हमारा स्टीयरिंग व्हील है वहाँ पे हमें सैटिन सिल्वर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। अब दोस्तों इसमें मिलने वाले कम्फर्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है ड्राइवर साइड में हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट देखने के लिए मिल जाती है, ऑटो फोल्डेबल ओवरविंग्स देखने के लिए मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री देखने के लिए मिल जाती है, टिल्ट स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम इंफोटेनमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो है स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड फोन कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें जो है 2 DIN ऑडियो सेटअप देखने के लिए मिल जाता है विद 4 स्पीकर्स, एंड ये जो हमारा 2 DIN ऑडियो सिस्टम है ये हमारा ब्लूटूथ ऑक्स कनेक्टिविटी को जो है सपोर्ट करता है या उसके साथ आता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे हमें USB पोर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट के अंदर। एंड वहीं पे दोस्तों अगर सेफ्टी के बारे में बात करते हैं तो जो फीचर हमें ई में देखने के लिए मिले थे ई वेरियंट में, वो सेम सेफ्टी फीचर्स आपको जो है एस में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे टॉप वेरिएंट या टॉप ट्रिम की जो कि है हमारा VX, जिसमें आपको मैनुअल एंड CVT दोनों तरह के ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है एक्सटीरियर में सबसे पहले आप जो नोटिस करेंगे चेंज वो ये है कि यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप देखने के लिए मिल जाता है हेडलैम्प के अंदर, एंड ये जो हमारे LED प्रोजेक्टर हैं हमारे ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी के साथ आते हैं। उसके दोस्तों यहाँ पे हमें जो है फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि हमारे LED हैं, LED DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं, 15 इंच के डायमंड कट ड्यूल कलर एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं,
क्रोम एक्सटीरियर डोर हैंडल देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों अगर इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही चेंज देखने के लिए मिलता है कि जो यहाँ पे हमारी अपहोल्स्ट्री है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, वो हमारी जो है थोड़ी सी मॉडर्न हो जाती है, थोड़ी सी लेदर टच वाली आ जाती है न्यू पैटर्न के साथ। बाकी इंटीरियर सेम हमें एस वाला ही फीचर जो है प्रोवाइड करता है, उसमें कोई भी हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर देखने के लिए नहीं मिलता है एस ट्रिम के मुकाबले। उसी के दोस्तों अगर कम्फर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, बट ये जो क्रूज कंट्रोल है सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। वहीं पे हमें यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स का भी जो है ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है सिर्फ सीवीटी वेरिएंट के साथ, मीन सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ। वहीं पे यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने के लिए मिल जाता है। उसके दोस्तों यहाँ पे जो हमें ड्राइवर साइड की विंडो है वो हमारी ऑटो अप एंड डाउन फंक्शनलिटी के साथ आती है विद एंटी पिच फंक्शन। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी देखने के लिए मिल जाता है, स्मार्ट की हमें जो है प्रोवाइड की जाती है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप जो है इंटीरियर में हमें 7 इंच की टच स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है जो कि हमारी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है, एंड प्लस इसमें हमें वॉइस कमांड भी देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं इस ट्रिम में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो जो हमारे SN हमें जो ईमी सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा सिर्फ यहाँ पे हमें रियर पार्किंग कैमरा विद मल्टी व्यू गाइडलाइंस इस एक फीचर का एड ऑन हो जाता है, बाकी सारे सेम फीचर हैं जो कि आपको SNE ट्रिम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये थे दोस्तों हमारी ट्रिम्स जो कि हमें न्यू होंडा अमेज में देखने के लिए मिलने वाली हैं और उसमें मिलने वाले फीचर्स। अब अगर बात करें कि इस गाड़ी में हमें कौन कौन से इंजन देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो इसमें हमें दो तरह के इंजन देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक है हमारा 1.2 लीटर का पेट्रोल यूनिट जो कि हमारा 100 पीएस ऑफ पावर जनरेट कर देता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, एंड 80 पीएस ऑफ पावर जनरेट कर देता है सीवीटी वेरिएंट के लिए। एंड जो दूसरा हमारा यूनिट है दोस्तों, वो हमारा 1.5 लीटर का एक डीजल यूनिट है जो कि हमारा अराउंड 99 bhp ऑफ पावर जनरेट कर देता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, एंड 89 bhp ऑफ पावर जनरेट कर देता है सीवीटी के लिए। वहीं पर 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए, एंड 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है सीवीटी के लिए। वहीं पर दोस्तों इसके अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग रेंज है हमारी 6 to 11 lakhs एक शोरूम रहने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस गाड़ी से किसी और गाड़ी से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं था आपका हौसला दोस्त ईशान और आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मफ। अब आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।